हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सूरज मनी से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम बात करते हैं, तो ये देखिए मनीषा क्या क्या बना रही है आज खाने में। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अचानक से गैस खत्म हो गया और मनीषा को चूल्हा पे खाना बनाना पड़ रहा है और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई है खाना बनाते बनाते। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या क्या बनाई है और कुछ खाने में भी कुछ टेस्टी चीज़ें बना रही है आज। गैस ख़त्म हो गया इस खुशी में, क्योंकि बार बार गैस ख़त्म हो जाए तो मैं अच्छे अच्छे चीज़ें बनाऊँ। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए इसका रियल लुक। हाय बोलो, ये है इसका रियल लुक। तो मैं दिखा रहा हूँ कि आज खाने में बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें बनाई है फ्रेंड्स। मनीषा का रियल लुक गैस पे बना रही है, चूल्हे पे बना रही है, इलेक्ट्रिक चूल्हा हीटर है उसी पे बना रही है खाना। और यहाँ पे बाबू भी परेशान कर रहे हैं। और ये देखिए खाने में क्या क्या बनाई है, ये देखिए, ये बताओ क्या क्या है, हाथ में ले लो, बताओ एक एक करके, ऊपर उठा लो हाथ में, तब ना पूरा आएगा फ्रेश। हटो, चलो। और वो देखिए, ये देखिए गोभी क्या है, और ये बेसन के आप जानते होंगे लोग, बेसन की सब्जी। और ये इलीकोट जो मैं बनाई हूँ सोया के। तो ये देखिए इसी में बाबू, ये बैगन का है, और ये देखिए काफी ज्यादा है, अच्छा दिख रहा है, तो खाने में भी टेस्टी लगेगा। और वहाँ पे बाबू परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा, इधर से उधर सामान चित्र भित्र कर रहा है। पकड़ो, और ये देखिए गोभी बुझा रहा है, और यहाँ पे ये देखिए माँ क्या कर रही है, गेहूँ है, गेहूँ फटक रही है। तो माँ गेहूँ फटक रही है, और इसको फटकने नहीं आता है, केवल खाने आता है। गेहूँ और चावल वाल नहीं फटकती है, इसको केवल स्पेशल चाहिए, फटकने वटकने लूर है नहीं, लेकिन खाना बना लेती है अच्छा से। ये देखिए चावल धराया था, लेकिन उस डिब्बा में नहीं रखाएगा, क्योंकि यह चावल खत्म हो गया है, ये लास्ट बचा हो गया है। अब मैं इसको इसमें हटो 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 तो नहीं हटेगा, जो राम का चावल खत्म हो गया है। और कल हम लोग और कहीं जाएंगे लोग, वो चीज आप कल वीडियो में देखिएगा कि हम लोग कहाँ कल जा रहे हैं लोग। जैसे कहा हो गया। तो फ्रेंड्स, आप लोग देखा ही होगा कि मनीषा इतना परेशान निकलना पड़ा है गैस खत्म हो जाने के बाद। तो ये लगभग 12 बजे तक ये खाना बनाई है, 12 बजे जाकर ये खाना फाइनल हुआ है, 8 बजे से बनते बनते, इसलिए क्योंकि ये आज रेसिपी बनाई थी बहुत चीज, इसलिए लेट हो गया है। और ये बनाते बनाते रो भी दिए हैं, क्योंकि बार लाइट कट जा रहा था दो बार, इसलिए रो भी गए। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को वीडियो हमारी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर। आज का ब्लॉग यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।